फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है रियलमी का 7। जो मेरे लेफ्ट हैंड में फ़ोन है ना, ये है रियलमी का 7, और साथ में राइट हैंड में जो फ़ोन है ये है पोको का M2 Pro। यार इन दोनों फ़ोन में जो आपको प्रोसेसर मिलता है ना, गेमिंग वाला प्रोसेसर मिलता है, लेकिन कौन सा फ़ोन काफ़ी तगड़ा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यदि आप भी कन्फ्यूज़ हैं इन दोनों फ़ोन को लेकर ना, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा फ़ोन परफॉर्मेंस के मामले में किसी को भी टक्कर दे सकता है। चलिए अब यहाँ पर हमने रैम सारी की सारी क्लियर कर ली है, और हमारा सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो होगा रीबूट टेस्ट। चलिए मैं रीस्टार्ट इसको भी करता हूँ, और अब मैं दोनों ही डिवाइस को रीबूट करता हूँ। सबसे पहले जो डिस्प्ले आई है ना, वो आई है पोको में। यहाँ पर जो सबसे पहले डिवाइस ऑन हुआ है वो ऑन हुआ है पोको का M2 Pro। एक बार मैं आपको अंतुतु बेंचमार्क स्कोर भी दिखा देता हूँ, 1, 2, 3। साथ में मैंने ओपन किया है, यहाँ पर बेंचमार्क जो स्कोर है सबसे पहले ओपन हुआ है हमारा पोको के M2 Pro में, और यहाँ पर आपको स्कोर मिल जाता है 276,131 का। और यदि आप लेते हैं रियलमी का 7, यहाँ पर आपको स्कोर मिल जाता है 298,995 का। और मैं आपको ये बता दूँ, रियलमी के 7 में जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G95। पहली बार आपको ये जो प्रोसेसर है इसी फ़ोन में देखने को मिल जाता है, और आप लेते हैं पोको का M2 Pro तो यार यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिलता है ये मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G। चलिए अब चलते हैं अमेज़ॉन में। अमेज़ॉन जो सबसे पहले डिस्प्ले आई है वो आई है हमारे रियलमी के 7 में। यदि मैं कहीं गलती भी करूँ ना, तो प्लीज़ आप नीचे बता दीजिएगा। अब चलते हैं पेटीएम की तरफ। पेटीएम की जो डिस्प्ले सबसे पहले आई है वो आई है रियलमी के 7 में। यहाँ पर हम बैक करते हैं और चलते हैं इंस्टाग्राम पे, 1, 2, 3। यहाँ पर जो सबसे पहले डिस्प्ले आई है वो आई है हमारे पोको के M2 Pro में। अब चलते हैं फेसबुक में। यार मुझे लग रहा है कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम टाइम में दोनों ही डिस्प्ले ओपन हुई है। और अब चलते हैं ट्विटर में भी मुझे ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिला है। अब चलते हैं फ्लिपकार्ट में जो सबसे पहले डिस्प्ले आ रही है वो आई है पोको के M2 Pro में। इससे भी हम बैक करते हैं और एक बार देखते हैं यार कैमरे की एप्लीकेशन सबसे पहले कहाँ पर ओपन होती है। कैमरे की एप्लीकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, और एक बार देख लेते हैं OLX की जो सबसे पहले डिस्प्ले आई है वो आई है हमारे यहाँ पर रियलमी के 7 में। और एक बार हम देख लेते हैं मैप में क्या कंडीशन है। मैप में जो डिस्प्ले सबसे पहले आई है वो भी मुझे लग रहा है रियलमी के 7 में आई है। कहीं मैं गलती कर रहा हूँ ना, तो यार आप प्लीज़ बता दीजिएगा, आप गुस्सा मत होइएगा। और अब ओपन करते हैं प्ले स्टोर, और एक बार क्रोम भी ओपन करते हैं। क्रोम ओपन कर लिया मैंने, क्रोम में पोको का M2 Pro थोड़ा सा आगे जा रहा है। जोमैटो, खाना खाना यदि आपको है तो भैया जोमैटो की एप्लीकेशन काम की है। यहाँ पर रियलमी 7 आगे जा रहा है। DRM Info जो सबसे पहले ओपन हो चुका है वो हो चुका है रियलमी का 7। और इन दोनों ही फ़ोन में आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब यार वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। और देख लेते हैं डिज्नी हॉट स्टार में क्या कंडीशन है। डिज्नी हॉट स्टार में जो डिस्प्ले सबसे पहले आई है सेम ही टाइम में आया है, मतलब यहाँ पर कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिला है। MX Player में जो सबसे पहले डिस्प्ले आई है वो आई है रियलमी के 7 में। और अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरफ, वो है गेम। ये मैंने हैवी गेम भी यहाँ पर डाले हैं और उसके साथ साथ लाइट गेम भी डाले हैं, और यार पबजी बैन हो चुका है तो भाई मैंने पबजी अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है। और सबसे पहले हम ओपन करते हैं टेम्पल रन, देखते हैं किस में सबसे पहले ऑन हो जा रहा है। दोनों ही फ़ोन में गेम बूस्टर ऑन है, और टेम्पल रन जो सबसे पहले ऑन हुआ है, मुझे लग रहा है यार ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही फ़ोन में माइनर सा अंतर है, मतलब यार दोनों ही फ़ोन में जो टेम्पल रन है वो सेम टाइम पे ओपन हुआ है। चलिए हम बैक करते हैं और अब हम देख लेते हैं सबवे मैंने ओपन कर दिया है। सबवे सबसे पहले रियलमी के 7 में ओपन हो चुका है। अब ओपन करते हैं फ्री फायर भी हैवी गेम है, और देखते हैं कौन से फ़ोन में सबसे पहले लोड हो रहा है। मेरे हिसाब से रियलमी 7 में सबसे पहले लोड हो रहा है, और देखते हैं क्या होता है आगे।
Realme 7 में डिस्प्ले आ चुकी है, मतलब यार यहाँ पर फ्री फायर में भी Realme का 7 आगे जा रहा है। और अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले गेम की तरफ, वो है Asphalt 9। Asphalt 9 में कौन सा फ़ोन आगे जा रहा है आपको समझ में आ ही रहा होगा। और यहाँ पर जो फ़ोन आगे जा रहा है वो जा रहा है हमारा Poco का M2 Pro। यहाँ पर डिस्प्ले सबसे पहले आ चुकी है। मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ ना, तो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा, यदि आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, शेयर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सारे के सारे बटन आप दबा दीजिएगा। और अब ओपन करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी, ये काफ़ी हैवी वाला गेम है। 1, 2, 3, मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी पे क्लिक कर दिया है और मुझे लग रहा है यहाँ पर जो Realme का 7 है वो आगे जा रहा है। ये देखिए यार, डिस्प्ले सबसे पहले आ चुकी है। अब एक बार ये चेक कर लेते हैं यार, दोनों ही फ़ोन में जो आपको इंटरनेट की स्पीड मिलती है वो कौन सी मिलती है। मैं सबसे पहले इन दोनों ही फ़ोन में जो सर्वर सेलेक्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल सेम सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए फ्यूज़न नेट वेब इधर भी आपको दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। और सबसे पहले Poco का M2 Pro में हम चेक करते हैं कितनी स्पीड मिल रही है। और यार मेरे घर पे लगा हुआ है 60 Mbps का प्लान, लेकिन कभी 60 Mbps की स्पीड नहीं मिलती है किसी भी डिवाइस में। पता नहीं क्या हो रहा है और क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। यहाँ पर जो आपका Poco का M2 Pro है ये आपको स्पीड जो दे रहा है वो दे रहा है 26.7 की डाउनलोडिंग स्पीड। अपलोडिंग स्पीड जो मिल रही है वो मिल रही है 71.3 की। और अब क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब Realme के 7 में कितनी स्पीड देखने को मिल रही है। Realme 7 में जो मुझे डाउनलोडिंग स्पीड मिली है वो मिली है 27.5 की, और जो अपलोड स्पीड मिली है वो मिली है 50.8 Mbps की। मतलब यार ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। और अब बैक करते हैं, एक बार ये देख लेते हैं यार कौन सी एप्लीकेशन रैम में है, मतलब रैम मैनेजमेंट भी चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले अंतुतु बेंचमार्क स्कोर देखते हैं, ये रीलोड हुआ है दोनों ही फ़ोन में। अब इससे बैक करते हैं, अमेज़ॉन ओपन करते हैं, अमेज़ॉन भी यार दोनों ही फ़ोन में रीलोड हुआ है। पेटीएम यार रीलोड हुआ है। इंस्टाग्राम भी चेक कर लेते हैं, इंस्टाग्राम भी भाई रीलोड हुआ है। फेसबुक भी रीलोड हुआ है दोनों ही फ़ोन में। ट्विटर भी दोनों ही फ़ोन में रीलोड हुआ है। फ्लिपकार्ट भी दोनों ही फ़ोन में रीलोड हुआ है। कैमरे की एप्लीकेशन यार मेरे हिसाब से दोनों में सेम कंडीशन है। OLX चेक कर लेते हैं, OLX भी यार दोनों ही फ़ोन में रीलोड हो रहा है। मैप की भी वही कंडीशन है। प्ले स्टोर यार रीलोड नहीं हुआ है दोनों ही फ़ोन में। क्रोम दोनों ही फ़ोन में रीलोड नहीं हुआ है। जोमैटो दोनों ही फ़ोन में रीलोड हुआ है, जोमैटो भी रीलोड हो गया है। DRM इन्फो भी रीलोड हो रहा है दोनों ही फ़ोन में। हॉटस्टार की क्या कंडीशन है, हॉटस्टार जो हमारा ये है Realme का 7 यहाँ पर रीलोड हुआ है। MX Player की भी सेम कंडीशन है। टेम्पल रन की भी सेम कंडीशन दिख रही है। और अब चलते हैं सबवे में क्या हो रहा है। सबवे भी यार दोनों ही फ़ोन में रीलोड हो रहा है, इसको भी हम बैक कर लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो अगला एप्लीकेशन है वो है फ्री फायर की क्या कंडीशन है। फ्री फायर भी दोनों ही फ़ोन में रीलोड हो रहा है। चलिए अब इससे भी बैक करते हैं, दोनों ही फ़ोन में यही कंडीशन है। Asphalt 9 की क्या कंडीशन है, Asphalt 9 भी रीलोड हो रहा है दोनों ही डिवाइस पे। रैम मैनेजमेंट के मामले में ना दोनों ही फ़ोन मुझे लग रहा है सेम तरह के हैं। दोनों ही फ़ोन में जो एप्लीकेशन है वो रीलोड हो रही थी। कहीं ना कहीं Realme के 7 में जो आपको प्रोसेसर मिलता है गेमिंग के लिए वो काफ़ी तगड़ा है। मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो प्रोसेसर है ना ये Snapdragon के 720G को काफ़ी अच्छी वाली टक्कर दे रहा है। तो हमारा फाइनल स्कोर आ चुका है, Realme 7 को मिले हैं 16 पॉइंट और जो हमारा Poco का M2 Pro है इसे मिले हैं 10 पॉइंट। बट आज का जो विनर है ना वो है Realme का 7। आगे मैं और भी टेस्ट करूंगा तब समझ में आएगा कि यार और कितनी अच्छी इन दोनों फ़ोन में परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। वैसे आप बताइए कि यार आपको क्या लगता है, क्या Realme का 7 Poco के M2 Pro को टक्कर दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा,
और मुझसे कोई भी गलती हुई हो ना तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। यार गलती इंसान से होती है और मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन आपको देख के समझ में आ गया होगा कि यार इन दोनों फ़ोन में जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है वो काफ़ी तगड़ी मिलती है। बस मैं आपसे जाते जाते यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, और आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन हो तो यार आप मेरे जो ट्विटर पेज है ना यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।